चूचू और उसके दोस्तों की मस्ती स्टोरी टाइम एडवेंचर्स में। मिस्टर आइसी नाम के एक आइसक्रीम वाले थे। वो बढ़िया और स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाते और पार्क में बेचने जाते। वो अपनी बढ़िया आइसक्रीम को एक छोटी सी आइसक्रीम कार्ट में ले जाते, जिसमें एक घंटी भी लगी थी। आइसक्रीम, आइसक्रीम, मीठी बढ़िया आइसक्रीम। मुझे चाहिए एक स्कूप चॉकलेट वाली आइसक्रीम का मिस्टर आइसी। जरूर चाचा, मैं तुम्हें दूंगा एक और स्कूप, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन भी तो आने वाला है। वाह, शुक्रिया मिस्टर आइसी। मुझे एक स्कूप स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम दीजिए मिस्टर आइसी। जरूर चूचू, ऊपर थोड़े नट्स और डाल देता हूँ। और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। शुक्रिया मिस्टर आइसी। मुझे चाहिए वनीला। और मुझे चाहिए बबल गम। ये लो चीका, ये लो चीकू। वापस आओ चीका, बाकी के पैसे तो ले लो। उप्स, मैं भी ना। शुक्रिया मिस्टर आइसी। ये रहे मेरे पैसे मिस्टर आइसी। मुझे दीजिए एक बड़ा सा स्कूप कुकी डो आइसक्रीम का। जरूर कसली, तो ये लो। उप्स, मेरी आइसक्रीम नीचे गिर गई। कोई बात नहीं कसली, ये लो एक और स्कूप। इसके लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये तोहफा समझो मेरी तरफ से। धन्यवाद मिस्टर आइसी। मिस्टर आइसी की आइसक्रीम बढ़िया और स्वादिष्ट थी। चूचू और उसके दोस्तों को ये बहुत अच्छी लगी। उन्हें मिस्टर आइसी भी पसंद आए। मिस्टर आइसी, आपके आइसक्रीम का सच में जवाब नहीं। आपको हमारे स्कूल के बाहर भी बेचना चाहिए। हाँ मिस्टर आइसी, स्कूल में हमारे दोस्तों को ये बहुत पसंद आएंगी। हाँ, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है बच्चों। तुम्हारे स्कूल कल मैं जरूर आऊँगा अपनी छोटी सी आइसक्रीम कार्ट को लेकर। तो इस तरह अगले ही दिन मिस्टर आइसी अपनी आइसक्रीम कार्ट लेकर स्कूल पहुँच गए। आइसक्रीम, आइसक्रीम, बढ़िया मीठी आइसक्रीम। वो है मिस्टर आइसी, वो हमारे दोस्त है। वो पार्क में आइसक्रीम बेचते हैं। उनकी आइसक्रीम हमें बहुत पसंद है, तुम्हें भी खाकर देखना चाहिए। बहुत से बच्चों ने मिस्टर आइसी की आइसक्रीम कार्ट से आइसक्रीम खरीदी। मुझे दीजिए चॉकलेट आइसक्रीम मिस्टर आइसी। मुझे दीजिए स्ट्रॉबेरी पॉपसिकल प्लीज। प्लीज मुझे चेरी वाली आइसक्रीम दीजिए। और मुझे चाहिए कुकी डो। हाँ बच्चों, लो ना। स्वादिष्ट। सारे बच्चों को मिस्टर आइसी की आइसक्रीम इतनी अच्छी लगी कि वो सब और मांगने लगे। मुझे चेरी आइसक्रीम का एक और स्कूप चाहिए मिस्टर आइसी। मुझे भी एक और खानी है। मुझे भी। और मुझे भी। मिस्टर आइसी ने झांक कर अपनी आइसक्रीम कार्ट में देखा, पर सारी आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी। हाँ, माफ करना बच्चों, मैं जितनी भी आइसक्रीम लाया था वो बिक चुकी। मुझे और आइसक्रीम चाहिए मिस्टर आइसी। मुझे भी। मुझे भी। माफ करना बच्चों, मैं किसी ना किसी तरह कल ज्यादा आइसक्रीम लेकर आऊंगा। कई बच्चे तो ये सुनकर रोने लगे।
उस दिन मिस्टर आईसी घर लौटे और अपनी आइसक्रीम कार्ट को गैराज में खड़ा कर दिया। फिर वो एक दुकान में गए और वहाँ से पहिए, इंजन, लोहे की चादर और नट बोल्ट्स खरीदे। फिर मिस्टर आईसी ने सारी चीजें ली और गैराज में गए और उसका दरवाजा बंद कर दिया। रात भर वो गैराज में काम करते रहे और सुबह होने तक मिस्टर आईसी ने एक नया और चमचमाता आइसक्रीम ट्रक बना लिया। मेरा नया आइसक्रीम ट्रक तैयार है। आइसक्रीम कार्ट की घंटी को मैं इस पर लगा दूंगा और अपने इस ट्रक को हर तरह की आइसक्रीम से भर दूंगा। फिर बच्चे हर तरह की आइसक्रीम जितनी चाहे खा सकते हैं। तो मिस्टर आईसी ने आइसक्रीम ट्रक को हर तरह की आइसक्रीमों से पूरी तरह भर दिया। चॉकलेट, चेरी, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, कुकी डो। हर तरह की आइसक्रीम से ट्रक भरने के बाद मिस्टर आईसी निकल पड़े। अब चलते हैं स्कूल की ओर। जैसे ही ट्रक गैराज के दरवाजे तक पहुंचा, मिस्टर आईसी ने ब्रेक दबाकर उसे रोक दिया। अरे नहीं, ये ट्रक तो ज्यादा ही ऊंचा बन गया। अब मैं इसे गैराज से बाहर कैसे ले जाऊं? अब मैं इतनी सारी आइसक्रीम स्कूल तक कैसे लेकर जाऊंगा? चूचू और उसके दोस्तों को फोन करता हूँ। हेलो चूचू, क्या दोस्तों के साथ यहाँ आ सकती हो? चूचू और उसके दोस्त मिस्टर आईसी के गैराज पर फौरन पहुँच गए। मिस्टर आईसी, क्या ये आपका आइसक्रीम ट्रक है? आपने इसे खुद बनाया है? हाँ बच्चों, मैंने इस आइसक्रीम ट्रक को इसलिए बनाया ताकि स्कूल के बच्चों के लिए ज्यादा आइसक्रीम ले जा सकूं। लेकिन ये बहुत ऊंचा है, गैराज के बाहर नहीं निकल पा रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चीकू ने सोचना शुरू किया और जल्दी ही उन्होंने एक योजना बनाई। इस गैराज की फर्श मिट्टी की है मिस्टर आईसी। हम मिट्टी को पानी से गीला करेंगे और उसे नर्म बनाएंगे। फिर हम उस नर्म मिट्टी को ट्रक के पहियों के नीचे से हटा देंगे। मिट्टी के हटाने की वजह से ट्रक नीचे आ जाएगा और फिर वो गैराज के दरवाजे के नीचे से निकल जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है बच्चों, पर मेरे पास कोई फावड़ा नहीं है। हम मिट्टी को खोदेंगे कैसे? आपके पुराने आइसक्रीम स्कूपर से। चीका, चाचा और कसली भी मदद के लिए आ गए। सारे बच्चे और मिस्टर आईसी मिलकर गैराज के फर्श की मिट्टी को हटाने लगे। जल्दी ही आइसक्रीम ट्रक थोड़ा नीचे आ गया और अब उसकी ऊंचाई उतनी नहीं रह गई थी कि वो गैराज के दरवाजे से टकराता। फिर मिस्टर आईसी आइसक्रीम ट्रक को चलाकर गैराज से बाहर ले आए।
उसके बाद वो आइसक्रीम ट्रक को सीधा बच्चों के स्कूल ले गए। मिस्टर आईसी आ गए। वो हमारे लिए बहुत सारी आइसक्रीम लाए होंगे। सारे बच्चों ने मिस्टर आईसी की आइसक्रीम के खूब मजे लिए। मुझे एक और स्ट्रॉबेरी वाली चाहिए। और मुझे चॉकलेट वाली। जरूर, अभी लो। और मिस्टर आईसी से बच्चों ने जितनी बार आइसक्रीम मांगे उन्होंने दिया। फिर मिस्टर आईसी ने चूचू, चीका, चाचा और कसली को उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहा और उन्होंने सबको उनकी मनपसंद आइसक्रीम के स्कूप भर भर के दिए। शुक्रिया बच्चों, तुम सबने आज मेरी बहुत मदद की। मैं अपने आइसक्रीम ट्रक को बाहर नहीं निकाल पाता अपने गैराज से बिना तुम्हारी मदद के। आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर आईसी। और आपकी आइसक्रीम भी अच्छी है। चूचू और उसके दोस्त स्कूल में थे। अचानक चाचा दौड़ता हुआ उनके पास आया। वो बहुत डरा हुआ था। हाँ, तुम्हें क्या हुआ चाचा? क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? चूचू, एक बड़ा लड़का सारे छोटे बच्चों को धमका रहा है। वो हम सबकी पेंसिल्स ले रहा है। फिक्र मत करो चाचा, हम उसे रोकेंगे। नहीं रोक सकते, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ताकतवर है। भले ही हम छोटे हों चाचा, पर अगर हम एक साथ रहें तो हम ताकतवर हैं। चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, अनेकता में एकता के ऊपर। उसमें कैसे जंगल के नन्हे जानवरों ने एक साथ मिलकर एक बड़ी से मतलबी हाथी से अपनी जान बचाई। बहुत पुरानी बात है, एक सुंदर सा जंगल था। उसमें रहने वाले छोटे छोटे जानवर सभी बहुत खुश थे। गौरैया अपने घोंसलों में गाने गाया करती थी। मधुमक्खी खुशी में झूमती थी। मेंढक इधर उधर बिना किसी डर के कूदते रहते थे। खरगोश इधर उधर मस्ती करते हुए फुदकते रहते थे। और कठफोड़वा पेड़ों में से कीड़े ढूंढते रहते थे। एक दिन एक हाथी जंगल में रहने आ गया। छोटे जानवरों को लगा कि वो हाथी दयालु और मिलनसार होगा, पर वो ये जानकर निराश हो गए कि वो हाथी बहुत मतलबी था। वो कुछ अजीबोगरीब चीजें करता। वो टहनियाँ तोड़ता रहता जिनमें गौरैया ने घोंसले बना रखे थे।
वो खरगोशों और मेंढकों को पैरों से कुचलता रहता। उसने मधुमक्खियों के छत्ते तोड़ दिए। उस हाथी ने उस पेड़ को भी उखाड़ फेंका जिस पर कठफोड़वा कीड़े ढूंढता था, और उसने पेड़ को ऐसे हिला दिया जैसे बच्चे का झुनझुना हो। सभी पक्षी और जानवर उस हाथी को लेकर बहुत परेशान थे। हमें इस हाथी के बारे में कुछ करना चाहिए, ये हमारा जीना मुश्किल कर रहा है। उससे कहना होगा कि हमें परेशान न करे। तो जानवरों ने कठफोड़वे को उस हाथी से बात करने के लिए भेजा। श्रीमान हाथी जी, मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। हम चाहते हैं कि आप हमें परेशान ना करें। हाथी कठफोड़वे के ऊपर हंसने लगा। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं एक बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ, और तुम सब कमजोर छोटे छोटे जानवर हो। चले जाओ और अपने दोस्तों को बता दो मेरा जो मन करेगा मैं करूँगा। और फिर हाथी पहले की तरह नन्हे जानवरों को परेशान करता रहा। सभी नन्हे जानवर उस रात को उल्लू से मिलने गए। वो एक समझदार बूढ़ा पक्षी था जो उसी जंगल के एक पेड़ पर रहता था। श्रीमान उल्लू जी, हमें आपकी मदद चाहिए। एक हाथी हमें बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि हम कमजोर और छोटे हैं। तुम गलत हो मेरे दोस्तों। भले ही तुम छोटे हो, पर तुम सब बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। तुम सब बहुत ही शक्तिशाली हो। तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे अगर तुम सब मिलकर काम करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक योजना है। और फिर समझदार उल्लू ने नन्हे जानवरों को अपनी योजना बताई। अगले दिन हाथी उठा और छोटे जानवरों को परेशान करने की तैयारी करने लगा। मैं मजे करूंगा नन्हे जानवरों को आज फिर से परेशान करके। के पास इकट्ठा हो गई और जोर जोर से भिन भिनाने लगी। उनकी भिन भिनाने की आवाज से हाथी को गुस्सा आ गया। मधुमक्खियां तो आज बहुत शोर कर रही हैं। मैं अपनी आंख बंद करके कानों को हिलाता हूँ। जैसे ही हाथी ने अपनी आंखें बंद की, कठफोड़वे ने नीचे आकर उसकी आंखों पे चोंच मार दी। दाओ, मेरी आंखें, मुझे कुछ चुभ रहा है। अच्छा होगा मैंने तालाब में धो लूं। और इस तरह वो हाथी आंखें बंद करके भागने लगा।
गड्ढे के पास पहुँच कर मेंढक टर टर करने लगे। उनकी आवाज सुनकर हाथी गड्ढे की तरफ भागा, ये सोचकर कि वहाँ तालाब है। मुझे मेंढकों की टर्टर सुनाई दे रही है, तालाब जरूर यही कहीं होगा। हाथी सीधा गड्ढे में जा गिरा। गड्ढा बहुत गहरा था और हाथी को एहसास हुआ कि वो अपने आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। बचाओ, क्या मुझे इस गड्ढे से कोई बाहर निकाल सकता है? उल्लू और छोटे जानवर सभी गड्ढे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। मेरे दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं हाथी जी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो मदद करें तो आपको उन सब से वादा करना होगा कि आप उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं नेक दिल रहूँगा, मैं उन्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तब जाकर नन्हे जानवरों ने हाथी की मदद की। उन्होंने नन्हे फॉरेस्ट रेंजर्स को बुलाया। और उन नन्हे फॉरेस्ट रेंजर्स ने हाथी की मदद की। फिक्र मत करो, कुछ ही मिनटों में हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। हाथी बहुत शुक्रगुजार हुआ उन नन्हे जानवरों के मदद के लिए। तुम सभी का धन्यवाद, तुम सब बहुत दयालु हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें तंग किया। मैंने सोचा था तुम छोटे और कमजोर हो, पर तुम सब तो बहुत ही शक्तिशाली हो। हम सब शक्तिशाली हैं क्योंकि हम सब एकजुट हैं। तुम भी हमारे साथ मिलकर हमारे दोस्त बन जाओ, फिर हम सब और शक्तिशाली हो जाएंगे और सब खुशी से रहेंगे। और इस तरह वो हाथी और सारे नन्हे जानवर दोस्त बन गए। हाथी को ये भी एहसास हुआ कि जब वो दया करता है तो उसे अच्छा लगता है, और फिर उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। जैसे ही चूचू ने चाचा को कहानी सुनाना खत्म किया, तभी वो लड़का वहाँ पहुँचा जो चाचा को तंग कर रहा था। चाचा, मुझे अपनी पेंसिल दो। चूचू और बाकी दोस्त आगे आ गए और चाचा के साथ खड़े हो गए। हाय, हम चाचा के दोस्त हैं। क्या तुम्हें पेंसिल चाहिए? हम तुम्हें अपनी पेंसिल दे सकते हैं। मैं भी तुम्हें अपनी पेंसिल दे दूंगा, पर तुम्हें प्यार से मांगनी होगी। मुझे माफ कर दो। उस लड़के ने चाचा को तंग करना बंद कर दिया। उसे एहसास हो गया कि ना तो चाचा छोटा है और ना ही कमजोर जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है। वो नेक और दयालु भी बन गया, जिस वजह से सब लोग उसे पसंद करने लगे। कसली और चाचा बगीचे में अपने खिलौनों से खेल रहे थे। ये देखो, ये रहा बड़ा डायनासोर। ओयो ओयो ओयो
अचानक उन्हें वहाँ एक चींटी दिखी। वाह, ध्यान से कसली, यहाँ पर एक चींटी है। और तभी बगीचे में चूचू आ गई। उसके साथ चीका और चीकू भी थे। चलो इसे उठाकर फेंक देते हैं, ये बहुत छोटी है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम गलत हो कसली, ये चींटी भले ही छोटी है लेकिन ये बहुत ही ताकतवर है। हाँ कसली, अगर इसने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। हाँ, और तब तुम्हें लगेगा कि उस चींटी को छेड़ा नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस सांप को चींटियों को तंग करने के बाद लगा था। सांप और चींटियाँ? हाँ चूचू, हमें भी कहानी सुनाओ ना, सांप और चींटियों की। हाँ चूचू, सुनाओ ना। और फिर चूचू ने सबको सांप और चींटियों की कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है, एक बगीचे में एक सांप रहता था। उसका घर वहीं एक बिल में था। वो सांप उस बिल में सोया करता। और जब भी वो भूखा होता वो बाहर आ जाता। मुझे भूख लगी है, काश कि मुझे खाने के लिए कोई स्वादिष्ट चीज मिल जाए। उस बगीचे में बहुत सी चिड़िया रहती थी और उस सांप को उनके अंडे खाने में मजा आता था। आप, 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 सांप बगीचे में घूम रहे बाकी छोटे मोटे जानवरों को भी खा लेता, जैसे छिपकली, चूहे, गिलहरी और मेंढक। भागो, वहाँ एक सांप है। ये सांप हमेशा मेरे अंडे खा जाता है। वो मेरे अच्छे दोस्त को भी निगल गया। सांप ने इतने सारे छोटे छोटे जानवरों को खा लिया और खा खा के वो बहुत मोटा हो गया। अरे नहीं, मैं तो अपने घर के अंदर बाहर जा ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे अब अपने लिए कोई नया घर ढूंढना होगा। और इसलिए सांप ने अपने लिए नए घर की तलाश शुरू की। जल्द ही सांप को एक सेब का पेड़ नजर आया। उसके तने में भी एक छेद था। सेब के पेड़ में तो एक बड़ा छेद है, देखने में तो रहने लायक लग रहा है, मैं इसे अपना घर बना सकता हूँ। पर यहाँ तो चिड़िया, चूहा और गिलहरी सभी एक साथ रहते हैं, ये सब बहुत शोर मचाते हैं, मुझे इन सबको यहाँ से भगाना होगा। और फिर सांप ने सभी जानवरों को डराना शुरू किया। जाओ यहाँ से चिड़िया, इस पेड़ को छोड़ दो, तुम भी चूहे और गिलहरी, वरना मैं निगल जाऊंगा तुम्हें। पर ये पेड़ तो हमारा घर है, हमने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। अपने लिए एक नया घर ढूंढना हमारे लिए मुश्किल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मुझे ये पेड़ अपने लिए चाहिए, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। चिड़िया, चूहा और गिलहरी बहुत दुखी हो गए। अब हम लोग क्या करें? चलो चलकर बागीचे की बूढ़ी मेंढकी से मिले, वो बहुत समझदार है, शायद वो हमारी कोई मदद करे। और फिर चिड़िया, चूहा और गिलहरी बगीचे में रहने वाली बूढ़ी मेंढकी से मिलने गए। मेंढकी जी, वो सांप हमें उस पेड़ से निकल जाने को कह रहा है जो सालों से हमारा घर रहा है। बताइए अब हम क्या करें? हमारे पास रहने की और कोई जगह नहीं। वो सांप हम सभी को बहुत तंग कर रहा है, अब उसे यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। जरा नजदीक आओ, मैं बताती हूँ तुम क्या कर सकते हो। और फिर बूढ़ी मेंढकी ने चिड़िया, गिलहरी और चूहे को बताया कि उन्हें क्या करना है। उस दिन चिड़िया, चूहा और गिलहरी सांप से मिलने गए। सांप महाशय, हम सब आपको अलविदा कहने आए हैं। हम सब यहाँ से जा रहे हैं। अब ये सेब का पेड़ आपका है। हाँ, हमें रहने के लिए एक बहुत ही आरामदायक घर मिल गया है, और वो इस पेड़ से भी ज्यादा अच्छा है। कितना आरामदायक घर है। कहाँ है वो? चिड़िया, चूहे और गिलहरी ने एक चींटी के घर की तरफ इशारा किया। हम उस चींटी के पहाड़ पर रहने जा रहे हैं। वहाँ हम सब बहुत आराम से रह सकेंगे, इस सेब के पेड़ से भी कई ज्यादा आराम से। क्या ऐसी बात है? क्या चींटी का पहाड़ पेड़ से बेहतर है? फिर तो मैं अपना नया घर वहीं बनाऊंगा, तुम इस पेड़ पर रह सकते हो। और फिर सांप सेब का पेड़ छोड़ के चला गया। चींटी के पहाड़ पे पहुँच कर उसने शोर मचाया और चींटियों को उनका घर खाली करने के लिए कहा। बाहर निकलो चींटियों, इस जगह से चली जाओ, यहाँ मैं अपना घर बनाऊंगा। बड़ी बड़ी लाल और गुस्सैल चींटियाँ अपने घर से बाहर निकल के आईं। तो सांप महाशय, आप चाहते हैं कि हम अपना घर छोड़कर चले जाएं? हाँ, चले जाओ, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। वैसे भी तुम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही तो हो, और मैं हूँ एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर सांप। चलो अब जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी पूंछ से तुम्हारा सफाया कर दूंगा। सांप को लगा कि वो बहुत बड़ा और शक्तिशाली है और चींटियाँ कमजोर और छोटी हैं। इसीलिए उसने अपनी पूंछ उठाई और चींटियों को जोर से एक तरफ पटक दिया। पर उसे क्या पता था कि चींटियों को भी गुस्सा आता है। सारी की सारी चींटियाँ सांप के ऊपर चढ़ गईं और उसे जोर जोर से काटने लगी। कोई भी नन्हा जानवर इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा सांप महाशय, अगर कोई जाएगा तो वो हो तुम, और फिर कभी वापस मत आना, अगर आए तो हम तुम्हें फिर से काट कर भगा देंगे। सभी छोटे जानवरों ने मिलके उस सांप को बगीचे से बाहर फेंक दिया। तब सांप ने सोचा कि काश उसने कभी किसी को तंग नहीं किया होता। अगर मैं शांति के साथ अपने बिल में रहता और किसी को भी परेशान नहीं करता,
तो आज मेरे पास रहने के लिए घर होता। चिड़िया, चूहा और गिलहरी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेंढकी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। शुक्रिया आपका मेंढकी जी, आपकी योजना काम आई। अब वो सांप इस बागीचे से चला गया है, अब हम सब यहाँ खुशी से रहेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों। उम्मीद है इससे उस सांप को सबक मिला होगा। दूसरों का बुरा करने वाले खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। देखा कसली, अगर तुम भी किसी के साथ बुरा करोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे, बिल्कुल सांप की तरह। मैं सांप की तरह बुरा नहीं हूँ, मैं नन्ही चींटियों को तंग नहीं करूँगा। नन्ही चींटी मुझे माफ करना, मैं अच्छा बर्ताव करूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन तुम मुझे काटोगी तो नहीं? इस तरह चूचू की कहानी ने कसली को ये समझाने में मदद की कि नन्हे जानवर भी बहुत बलवान होते हैं और भलाई इसी में होती है कि हम उनके और औरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। एक शाम चूचू और उसके दोस्त स्कूल से वापस घर लौट रहे थे। अचानक जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आसमान से गिरने लगी। हाँ, बारिश हो रही है। हमारे पास ना ही छाते हैं और ना ही रेनकोट्स। हम बारिश में गीले हो जाएंगे और हमें जुकाम हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है, चलो हम इस घर की छत के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। तो चूचू और उसके दोस्त बारिश से बचने के लिए छत के नीचे भागे। जैसे ही वो सब छत के नीचे खड़े हुए, एक भंवरा उनके पास आ गया। वो कसली के आसपास मंडराने लगा और कसली को से डर लगने लगा। यहाँ पर एक भंवरा है, ये मुझे काट लेगा। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, इससे अच्छा तो मैं बारिश में भीग जाऊं। कसली भावरे से इतना डर गया कि वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। फिक्र मत करो कसली, चूचू ने कसली को एक कहानी सुनाने की सोची ताकि उसे अच्छा लगे और वो ना डरे। ये तो एक नन्हा सा भावरा है, जरा सी बहादुरी दिखाओ और डरो मत। उस नन्हे बकरे की तरह जब उसने एक गुफा में पनाह ली थी एक शेर, भेड़िये और बाघ के साथ। चलो आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ एक चतुर बकरे की। एक शाम जब एक नन्हा बकरा जंगल से गुजर रहा था तो उसके पास सुनहरे शहद से भरा एक मटका था। मुझे जल्दी से घर पहुंचना है ताकि ये शहद खा सकूं। अचानक एक बड़ा सा स्लेटी बादल आसमान में घिर आया। आसमान काला हो गया और बहुत ही जोर से बिजली कड़की। वो नन्हा बकरा इतना डर गया कि शहद उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आसमान से गिरने लगी। अरे नहीं, बारिश होने लगी। अच्छा होगा मैं किसी जगह पर आसरा ले लूं। नन्हे
नन्हा बकरा छुपने की जगह ढूंढने लगा। और उसे जो जगह मिली वो थी एक गुफा। हाँ, ये तो एक गुफा है। बारिश रुकने तक मैं यहीं रहूंगा। तो वो नन्हा बकरा गुफा के अंदर चला गया। उस नन्हे बकरे को झटका लगा जब वो गुफा के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ पहले से तीन जानवर मौजूद थे, एक शेर, एक बाघ और एक भेड़िया। उस शेर ने नन्हे बकरे को भूखी आंखों से देखा। वो ये भी जानने को उत्सुक था कि नन्हे बकरे के मटके में क्या है। ये नन्हा बकरा तो बड़ा ही स्वादिष्ट दिखता है। और लजीज भी। और बढ़िया भी। नन्हे बकरे, तुम तो स्वादिष्ट दिखते हो, पर ये बताओ कि तुम्हारे इस बर्तन में क्या है। ये जानने के बाद कि शेर, भेड़िया और बाघ उसे खाना चाहते हैं, बकरे ने सोचा कि उसे बहादुरी और चतुराई से अपनी जान बचानी है। उसने जल्दी से एक कहानी बनाई। मेरे पास इस बर्तन में जादुई शहद है शेर महाराज, जो भी इसे खाएगा बलवान बन जाएगा और इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर भी। शेर ने नन्ही बकरी की कहानी पर विश्वास कर लिया। क्या ऐसा है? फिर तो मैं ही शहद खाऊंगा और जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा। आखिरकार मैं जंगल का राजा भी तो हूँ। नन्हे बकरे ने अपनी कहानी सुनाना जारी रखा। पर एक बात है, इस शहद को ऐसे ही नहीं खा सकते शेर महाराज। जिन मधुमक्खियों ने इसे मुझे दिया था उन्होंने कहा था कि इसके साथ कुछ और भी खाना है। हाँ, कुछ और भी? हाँ, शहद का जादू तभी काम करेगा जब इसे खाया जाएगा भेड़िये की पूंछ के साथ। अगर ऐसा है तो मैं शहद भेड़िये की पूंछ के साथ ही खाऊंगा। भेड़िये, जल्दी इधर आओ, मुझे अपनी पूंछ दे दो। नहीं। शेर ने भेड़िये का पीछा करना शुरू किया। सुनो बाघ, बकरे और शहद पर नजर रखना, मैं भेड़िये की पूंछ लेकर आता हूँ। शेर गुफा छोड़कर चला गया और अब वहाँ वो नन्हा बकरा और बाघ रह गए। अरे नहीं, मुझसे एक गलती हो गई। श्रीमान बाघ, क्या आप शेर महाराज को वापस बुला सकते हैं? मुझे उन्हें बताना है कि इस शहद का जादू भेड़िये की पूंछ के साथ काम नहीं करेगा। इसके लिए तो कुछ और चाहिए। कुछ और चाहिए? वो क्या है नन्हे बकरे? शेर को शहद किस चीज के साथ खाना चाहिए ताकि शहद का जादू काम कर जाए? मुझसे गलती हो गई श्रीमान बाघ, इस शहद को भेड़िये की पूंछ के साथ नहीं खाना है। इसे तो खाना है एक अच्छी लंबी बाघ की पूंछ के साथ, बिल्कुल आपकी पूंछ की तरह। मुझे श्रीमान शेर को बुलाना होगा ताकि वो यहाँ आकर आपकी पूंछ उखाड़ सके।
नहीं, तुम ऐसा मत करो। सुनिए शेर महाराज। अरे भागने में ही भलाई है। तो इस तरह बाघ गुफा से भागा अपने आप को बचाने के लिए। तभी अचानक बारिश भी रुक गई और नन्ना बकरा गुफा से निकलकर जल्दी से अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैंने अपने आप को शेर, बाघ और भेड़िये का भोजन बनने से बचा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहादुर और होशियार हूँ। अब मैं आनंद लूंगा इस स्वादिष्ट शहद का, ये मुझे ताकतवर बनाएगा। वो भी इसे किसी की पूंछ के साथ खाए बिना। और इस तरह उस नन्हे बकरे ने किसी दूसरे का शिकार होने से खुद को बचा लिया। चलो भी कसली, भवरे से डरना बंद करो, तुम भी होशियार और निडर बनो जैसे चूचू की कहानी में वो बकरा था। हाँ कसली, सोचो कैसे तुम भवरे को अपने से दूर भगाओगे। मुझे पता है क्या करना है, मैं यहाँ फूल वाला गमला रखूँगा, भवरा फूल पर बैठ जाएगा और मेरे बारे में भूल जाएगा। देखो भवरे, एक फूल है ना, कितना सुंदर। और इस तरह कसली ने अपनी चतुराई और बहादुरी से उस भंवरे को उड़ा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे चूचू की कहानी में नन्हे बकरे ने किया था।